हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग में यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग सेकंड का क्वेश्चन नंबर 8। जितने भी वीडियोस आ रहे हैं सभी रिक्वेस्टेड वीडियो हैं और ये भी एक रिक्वेस्ट। द अकाउंट्स ऑफ सराफ कंपनी लिमिटेड शो द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2011। अब आगे देखते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। मटेरियल यूज 70,000 रुपीज़, डायरेक्ट वेजेस इज 54,000 रुपीज़, वर्क्स ओवरहेड ₹16,200, इस्टेब्लिशमेंट एंड जनरल एक्सपेंसेस इज ₹11,216। कैलकुलेट क्या क्या चीज़ें करनी है वो देख लीजिए। वर्क्स कॉस्ट फाइंड करना है, टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर एंड द परसेंटेज दैट वर्क्स ओवरहेड्स बियर्स टू डायरेक्ट वेजेस एंड इस्टेब्लिशमेंट एंड जनरल एक्सपेंसेस एज परसेंटेज टू वर्क कॉस्ट। ठीक है, तो ये परसेंटेज फाइंड आउट करना है, साथ में वर्क कॉस्ट टोटल कॉस्ट निकालनी है। और आगे कहा है व्हाट प्राइस शुड द कंपनी कोट टू मैन्युफैक्चर अ मशीन व्हिच इट इज एस्टिमेटेड विल रिक्वायर एन एक्सपेंडिचर ऑफ ₹720 ऑन मटेरियल्स एंड ₹600 ऑन वेजेस सो दैट इट विल यील्ड अ प्रॉफिट ऑफ 15% ऑन द टोटल कॉस्ट। ठीक है बच्चे, समझ में आया इतना। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ, पहले तो यूनिट्स नहीं दी हैं जैसे कि सभी क्वेश्चन में पहले होती थी कि कितनी नंबर ऑफ़ यूनिट्स के लिए हमें कॉस्ट प्रिपेयर करनी है। यहाँ पर नहीं दी है, ना इस केस में दी है, ना ही सेकेंड हम जब कोटेशन प्राइस फाइंड आउट करेंगे उसके लिए कहा है। तो सिंपली ये सिर्फ जो है ना, ये एक एक यूनिट्स के लिए हम अज्यूम कर सकते, 1 यूनिट के लिए है। और इसका जो टॉपिक है, मेन टॉपिक बुक में जो ऊपर है ना, तो उन्होंने कहा है कि पास परसेंटेज के अकॉर्डिंग सारी कॉस्ट को हमें रखना है, तो हम वही करेंगे। यूनिट नहीं है तो हम मान लेंगे ये अमाउंट्स एक यूनिट्स के हैं। ठीक है, देन यहाँ पे कहा है अ मशीन, तो एक मशीन के लिए यहाँ पर जो मटेरियल और वेजेस यूज़ हुए हैं ना, वो हो रहा है यहाँ पे जो खर्चा किया गया वो ₹720 का मटेरियल पे खर्च किया गया है और ₹600 वेजेस के लिए खर्च किए गए हैं। और कहा है कि जो प्रॉफिट होगा वो 15% होगा बच्चा। ठीक है, ये कोटेशन प्राइस के लिए इन्फॉर्मेशन थी। और ये वाली जो आपको फाइंड करनी है इसके बेसिस पे करनी है। ठीक है, जिसमें हम सिंपल क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं। तो अब हम लेंगे एक A4 साइज पेपर और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चे, तो आप सभी को पता है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं कॉस्ट शीट प्रिपेयर करने के लिए, पहली वाली कॉस्ट शीट को हम प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पर हम, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8, कॉस्ट शीट। यूनिट नहीं है, कोई बात नहीं, परसेंटेज के अकॉर्डिंग चेंजेस आएगा। अब यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर ले रहे हैं, ये साइड हम कोटेशन के लिए रखेंगे, कॉस्ट शीट प्रिपेयर करेंगे कोटेशन प्राइस फाइंड करने के लिए, और ये इधर आपका जो सिंपल कॉस्ट शीट बनती है। तो चलिए फटाफट दिखा दीजिए, पहले मटेरियल लेते हैं। तो मटेरियल ले लीजिए कितने का बच्चा, 70,000। फिर क्या करते हैं, प्लस करते हैं वेजेस, डायरेक्ट वेजेस तो प्लस कर लीजिएगा आप अपने डायरेक्ट वेजेस। इतना करने पे आ जाएगा क्या, प्राइम कॉस्ट आएगी 54,000। सात पाँच 12 होता है ना, 1,24,000। ठीक है बच्चा, ये हो जाएगी हमारी प्राइम कॉस्ट। क्लियर हो गया इतना, ये 54,000 है। वर्क्स ओवरहेड 16,200 हम प्लस कर लेंगे, वर्क्स ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड जिसे आप बोलते हैं, यहाँ पर वर्ड दिया है वर्क्स ओवरहेड, ये फैक्ट्री ओवरहेड की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, कितना है प्लस करेंगे वो भी 16,200 बच्चा, 16,200 जब आप इसको प्लस करते हैं तो 2, 6, 4, 10, 2, 1, 3, 1, 4 और ये हो जाएगा 140,200। ये हो जाता है हमारा क्या, वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है बच्चे, फिर है इस्टेब्लिशमेंट एंड जनरल एक्सपेंसेस इज 11,216। तो ये ऑफिस ओवरहेड का पार्ट हो जाता है, तो हम यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए जनरल एक्सपेंसेस है आपका कितना है, 11,216 प्लस कर लीजिएगा, 11,216 प्लस करेंगे 6,14,151, 1,51,416 एंड दिस इज़ योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब सेलिंग ओवरहेड होता तो हम उसको भी यहीं पे ऐड करते, बट दिया नहीं है बच्चा, तो आप इसको स्किप करेंगे और टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, सेम आ जाएगी। ठीक है ना, 1,51,416 दिस इज़ योर टोटल कॉस्ट।
देखिए लिखते हैं टोटल कॉस्ट, ये आ जाएगी आपकी टोटल कॉस्ट बच्चे, तो ये याद रखिएगा ये आपका पूरा का पूरा टोटल कॉस्ट आ जाएगा 151,460। क्लियर हो गया इतना पॉइंट। आगे कहा है कि वर्क कॉस्ट, तो वर्क कॉस्ट तो हमने फाइंड कर ली थी। फिर कहा है परसेंटेज टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर, टोटल कॉस्ट मैन्युफैक्चर की ये आ गई है। फिर कहा है आपका द परसेंटेज दैट वर्क्स ओवरहेड बीयर्स टू डायरेक्ट वेजेस। अब वर्क्स ओवरहेड पे जो परसेंटेज फाइंड करना है बच्चा, वो करना है आपका किस पे, वर्क कॉस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए देखिए परसेंटेज ओवरहेड बीयर्स टू डायरेक्ट वेजेस के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, डायरेक्ट वेजेस। सो परसेंटेज ऑफ वर्क्स ओवरहेड, परसेंटेज दिख रहा होगा आपको, देखिए परसेंटेज ऑफ वर्क्स ओवरहेड ऑन वेजेस, ठीक है, डायरेक्ट वेजेस। सो वर्क्स ओवरहेड को पहले पकड़िए कितना है, ये है ना 11,000, नहीं ये ऑफिस है, ये है आपका 16,200 वर्क्स ओवरहेड। ठीक है, तो हमें लेना है यहाँ पे कितना 16,200 परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, देन डिवाइड बाय कहा है डायरेक्ट वेजेस, वेजेस कितना है डायरेक्ट वेजेस 54,000 से आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा बच्चा। ठीक है, इतना, तो जब आप इतना कैलकुलेशन करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 30% बच्चा। तो वर्क्स ओवरहेड कितना होगा 30% ऑन वेजेस। तो अब ये 30% आ गया, तो जब आप कोटेशन प्राइस करेंगे तो वहाँ पर जब डायरेक्ट वर्क्स ओवरहेड फाइंड करेंगे तो वेजेस पर 30% करिएगा। ठीक है, फिर सेकंड कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट एंड जर्नल एक्सपेंसेस एज परसेंटेज टू वर्क कॉस्ट। अब ये जो आपका है जर्नल एक्सपेंसेस, वो वर्क कॉस्ट पर इसका परसेंटेज निकालना है। सो परसेंटेज ऑफ जनरल एक्सपेंसेस ऑन वर्क कॉस्ट, ठीक है ना, ऑन वर्क्स कॉस्ट। चलिए, तो जनरल एक्सपेंसेस को तो पहले पकड़िए ही आप, जनरल एक्सपेंसेस है 11,216 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई ऑन वर्क कॉस्ट, वर्क कॉस्ट चेक करी, ये है वर्क कॉस्ट हमारी डब्ल्यू सी 140,200। ठीक है बच्चा, 140,200, और जब इसको इससे डिवाइड करेंगे ना तो आपका जो परसेंटेज आएगा वो आ जाएगा 8% बच्चे। तो अगर हम जनरल एक्सपेंसेस की बात करें तो यहाँ पे जनरल एक्सपेंस का जो परसेंटेज आया है वर्क कॉस्ट पे वो 8% आया है, और वर्क्स ओवरहेड का 30% ऑन वेजेस आया है। अब आपको निकालना है कोटेशन प्राइस, अब स्टार्ट करते हैं कोटेशन के लिए। ठीक है, अब आपको कोटेशन फाइंड करना है। चलिए देखिए, यहाँ पर भी हम अमाउंट का कॉलम इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, और जो चीज़ें भी जैसे कहीं हम उसको लेंगे। अब कोटेशन के लिए कहा है ना, जो एक्सपेंडिचर हुआ है रिक्वायर ऑन एक्सपेंडिचर ऑफ रुपीज़ 721 मटेरियल्स, तो मटेरियल्स पर 720 रुपये खर्च किए गए हैं और वेजेस के लिए 600 रुपये खर्च किए गए हैं। तो मटेरियल यहाँ पर आप लेंगे 720, क्योंकि एक यूनिट की ही बात की है, यूनिट्स नंबर्स गिवन नहीं है, ये ए है ये एल है, 720 है तो ले लीजिएगा। प्लस करिएगा वेजेस, और वेजेस भी यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट दिया हुआ है कितना बच्चा, ये देखिए 600 ऑन वेजेस, तो 600 प्लस कर लीजिएगा तो आपकी प्राइम कॉस्ट आ जाएगी यहीं पे, 7 6 कितना होता है 13, और ये 20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगी आपकी प्राइम कॉस्ट। फिर प्लस करते हैं क्या, वर्क्स ओवरहेड, या फिर जिसे आप बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, दोनों नाम से जानते हैं इसे। ठीक है बच्चे, अब वर्क्स ओवरहेड के लिए इन्होंने देखिए परसेंटेज निकाला था ना, वर्क्स ओवरहेड ऑन वेजेस 30%, तो वेजेस को पकड़िए, वेजेस कितना बच्चा 600 है, 600 का 30% कर लीजिएगा, 600 का 30% जब आप करेंगे आएगा आपका 00 कैंसिल 36 18 मीन्स 180 रुपये, तो बाहर दिखा दीजिएगा 180, वापस से प्लस कर लीजिएगा 0 8 10 को 0 3 1 4 1 5 और 1 ये 1500, तो ये हो जाएगी हमारी क्या बच्चे, वर्क कॉस्ट। ठीक है, कितना हो जाएगा 1500 वर्क कॉस्ट हो जाना है। फिर आप प्लस करते हैं क्या इसमें ऑफिस ओवरहेड, जिसमें आपका जर्नल एक्सपेंसेस था, ऑफिस ओवरहेड
इसमें था जनरल एक्सपेंसेस। अब जनरल एक्सपेंसेस का परसेंटेज हमने फाइंड किया था ना, परसेंटेज ऑफ जनरल एक्सपेंसेस ऑन वर्क कॉस्ट इज 8%। ऑन वर्क कॉस्ट, तो वर्क कॉस्ट जो ये आई है ना आपकी, वर्क कॉस्ट इसका 8% मीन्स 1500 का 8% बच्चा, 1500 का करना है हमें 8%। ठीक है, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 15 8 कितना हो जाता है 120। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा वो आपका, ये 120, उसको बाहर शो कर देंगे 120, और यहाँ पर ये टोटल करने पर आ जाएगा 1620, और यही हो जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सेलिंग दी नहीं है तो यही आपका टोटल भी हो जाता है, इसी को आप क्या बोल सकते हैं, टोटल कॉस्ट बोल सकते हैं। आ गया, अब प्रॉफिट जब प्लस कर लेते हैं बच्चा, तो इसका कोटेशन प्राइस बन जाता है या सेल प्राइस बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा कोटेशन प्राइस। ठीक है, कैसे करेंगे, प्रॉफिट के लिए देखिए उन्होंने कहा है ना, ये देखिए, सो दैट इट विल यील्ड अ प्रॉफिट ऑफ 15% ऑन द टोटल कॉस्ट। कितना हमें प्रॉफिट यील्ड करना है, कितने प्रॉफिट का उत्पादन करना होगा, यहाँ पे हमें बनाना होगा 15%, तो प्रॉफिट इसी पे 15% चार्ज करना है आपको। देखिए, प्रॉफिट के लिए 1620 इंटू 15 डिवाइड बाई 100 करिएगा, इतना करेंगे तो आपका जो प्रॉफिट है बच्चे वो आएगा 243। इसको प्लस कर लीजिएगा तो आ जाएगा आपका यहाँ पे एक्चुअल कोटेशन प्राइस 1863। तो अब ये दोनों जो कॉस्ट शीट है वो अब आपके सामने आ जाएगी कुछ इस प्रकार। ठीक है बच्चे, ये सिंपल कॉस्ट शीट प्रिपेयर की थी हमने, और इधर वाली है कोटेशन प्राइस के लिए। प्रॉफिट के लिए 15% का है टोटल कॉस्ट का, तो यही है टोटल कॉस्ट, और इसी का करना था आपको 15% चार्ज, तो 243 आपका प्रॉफिट आएगा, देन उसको हम प्लस करेंगे तो कोटेशन प्राइस आ जाएगा 1863। और ये एक यूनिट की बात की है, नंबर ऑफ यूनिट्स क्वेश्चंस में नहीं दी हैं, वन यूनिट्स के लिए, वन मशीन के लिए ही ट्रीटमेंट किया गया था। ठीक है बच्चे, तो ये सिंपल कॉस्ट शीट है आपकी, ये कोटेशन के लिए है, ध्यान दे देखते जाइए। ठीक है, बस ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना था, एक रिक्वेस्टेड वीडियो था, बच्चे ने पूछा था कि मैम प्लीज़ इसको सॉल्व कर दीजिए, तो यही आपको प्रॉब्लम आ रही होगी कि कैसे करना है, क्योंकि यूनिट्स तो दी नहीं है। ठीक है, तो बस ऐसे चेंजेस होंगे और इसी तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। मुझे यकीन है इस वीडियो के माध्यम से आपको ये सारा जितने भी पॉइंट है अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं किन टॉपिक्स पर आपको वीडियोस चाहिए, और अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलती रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।